You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do when I'm walking on the streets half naked. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Hiten, and I am a CBSC 11th grader, humanities student and a CLAT aspirant. And on this channel, I document my student life. If you like my content, then please subscribe and like this video. So this is the day of Independence Day, 15th of August, and I started with my day with a cup of coffee, and after that at 12:20 I started studying. So first of all, yahan pe main kar raha tha इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स वाली बुक का चैप्टर नंबर जो 6 है टीआर जैन के अकॉर्डिंग, वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बार डायग्राम और पाई डायग्राम वाला. बिफोर मूविंग इनटू द फर्दर वीडियो, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट, एज यू ऑल नो दैट आई रिसेंटली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड एलिट, एंड फॉर नाउ आई एम जस्ट रिलाइंग ऑन सेल्फ स्टडी, नो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग. सो फॉर दैट आई वॉन्ट अ स्टडी मटीरियल, आई वॉन्ट अ बुक for practicing questions, for analyzing the exam pattern. That's why I ordered a book of Oswal Books, CLAT and ELIT, 10 solved papers. So this is the previous year papers of 5 CLAT and 5 ELIT papers, and I analyzed it properly. It based on latest exam pattern issued by consortium of NLUs. Having an amazing feature of trend analysis of question paper from 2020 to 24 of CLAT and ELIT. This is going to be very helpful for us. And also having an amazing feature of tips and tricks to crack the exam by covering each and every section. If you are also preparing for CLAT and ELIT, then what are you waiting for? Just go and grab this book. Link is in the description box. Thank you. Now let's move to the video. टेबल करते करते इतना गंदा हो गया था तो मैंने अपने टेबल को डिक्लटर किया थोड़ी बहुत साफ सफाई की टेबल के ऊपर से. एंड आज छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा थोड़ा इसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं. एंड उसके बाद यहाँ पे मैं देखो ये वाला चैप्टर कर रहा हूँ, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बार डायग्राम पाई डायग्राम वगैरह. ये मेरे स्कूल में चल रहा है आजकल, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा घर में भी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी. तो यहाँ पे मैं ये मिसलेनियस इलस्ट्रेशन करने वाला हूँ अब जितने भी हैं यहाँ पे, ये ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए बेसिकली क्वेश्चंस की. बाकी ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. जस्ट बट मुझे एक ऐसा लग रहा था कि मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, बिकॉज इसमें लाइक पूरी मैथ्स आती है, लाइक कैलकुलेशन वगैरह. बाकी तो और कुछ नहीं है मैथ्स के रिलेटेड, बट हाँ कैलकुलेशन इसमें बहुत है, सब कुछ कैलकुलेशन में है. तो हाँ कैलकुलेशन की मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. बाकी तो दिस इज ईजी, लाइक मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था इसको करते हुए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. तो हाँ यहाँ पे मैंने जस्ट प्रैक्टिस की थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाए मैंने यहाँ पे. एंड द गुड थिंग इज़ कि मेरे इकोनॉमिक्स में अब क्वेश्चंस बनने लग रहे हैं, मेरे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस बन रहे हैं. पहले नहीं बनते थे, लाइक बिल बहुत काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, तो अब इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है. मेरे इकोनॉमिक्स में काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसका मतलब मैं अच्छे से थोड़ा पढ़ रहा हूँ. तो हाँ इसी को ही कंटिन्यू करते हैं, और इम्प्रूवमेंट कर की नीड है तो और इम्प्रूव करेंगे अपने आप को. एंड मैं अपनी अब प्रोडक्टिविटी पर, अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ. पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी अनप्रोडक्टिव चल रहा था, जिसकी वजह से लाइक मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा था. बट नाउ आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ रहा हूँ. बिकॉज हम सब के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं, काफ़ी लोगों के आ चुके हैं, काफ़ी लोगों के आने वाले हैं. सो हाँ सब मोस्टली सबके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फ्रॉम नेक्स्ट मंथ सेप्टेम्बर से. एंड लाइक हमारे में वो 50 मार्क्स के होंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होंगे, एंड लाइक उसमें काफ़ी सिलेबस है, तो उसके लिए अभी से पढ़ना पड़ेगा, अभी से रिविज़न करनी पड़ेगी इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव गुड मार्क्स. सो हाँ दैट्स वाई आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ, अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ने वाला हूँ मैं अब इस बार. देन दिस इज़ द नेक्स्ट डे, यहाँ पे 6:17 हो रहे हैं, 6:17 PM, और मैं स्कूल से आ गया था उसके बाद. अब मैं 6:17 PM हो चुके हैं, मैं पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूँ. कल की बात बताऊँ तो कल मैंने इकोनॉमिक्स के बाद हिस्ट्री भी पढ़ा, बट मुझे इतना कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं था, तो मैंने उसको इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं किया. सो हाँ एंड देन दिस इज़ द नेक्स्ट डे, एंड यहाँ पे मैं जो मैंने कल हिस्ट्री पढ़ा था जो कि रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसके बाद से ही मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लेक्चर, मेरा इस थ्योरी कह रहा हूँ, थ्री ऑर्डर्स वाले चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 2 था वो हाफ रह रहा था, तो मैंने यहाँ पे वो कंप्लीट किया. एंड उसके बाद लेक्चर नंबर 3 भी किया. तो यहाँ पे मैं जस्ट अपना लेक्चर ले रहा हूँ फ्रॉम PW बैच, और जो भी इम्पोर्टेंट था मार्क कर रहा हूँ. इस अभी मैं इतने कुछ नोट्स नहीं बता रहा हूँ, मैंने अपने कुछ पिछली वीडियोस में बता रखा है कि मैं क्यों अभी नोट्स वगैरह इतने नहीं बना रहा हूँ. जस्ट आई एम
फोकसिंग ऑन चैप्टर रीडिंग एंड मैं जो भी कर रहा हूँ भी बुक से कर रहा हूँ, जो भी मार्क कर रहा हूँ मैं बुक में मार्क कर लेता हूँ, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं बुक के साइड में जो जगह होती है वहाँ पर लिख रहा हूँ। अभी मैं लॉन्ग नोट्स तो मैंने बनाना छोड़ दिया है एज आई टोल्ड यू। तो हाँ, यहाँ पर मैं लेक्चर ले रहा हूँ, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 ख़त्म हो चुका था तो मैं यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 ले रहा था। उसके बाद मैंने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट किया एंड उसे देखना शुरू किया एंड लिटरली सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक काफ़ी अच्छे से डीप में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। सो हाँ, मैं अपनी हिस्ट्री अपने इन्हीं सर से करता हूँ एंड वेन एवर लाइक जब मुझे रिक्वायरमेंट होती है या फिर स्कूल के कोई एग्ज़ाम आ रहे होते हैं PW पे वो लेक्चर अवेलेबल नहीं होता है, अभी दूसरा कोई चैप्टर चल रहा होता है, तो मैं वो वन शॉट से कर लेता हूँ जैसा कि मैंने आपको बता रखा है फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 8 लोकल गवर्नमेंट ये किया, इसके क्वेश्चन आंसर स्कूल में दिए थे लिखने के लिए, तो मैंने यहाँ से ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में से मैंने इसको जस्ट कॉपी किया है एंड बाय द वे पढ़ पढ़ के लिखा है। तो हाँ, मैंने यहाँ पे ये वाला काम किया रिटर्न वर्क। फिर उसके बाद मैंने लेजेड रात के लाइक 11:30-12 बजे के आसपास पॉलिटिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट किया, बिकॉज मेरी अभी भी टू-डू लिस्ट इनकम्प्लीट रह रही थी और बिना उसको करे कम्प्लीट करे मैं नहीं चाहता था कि मैं सो जाऊँ। तो फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस किया, बाय द वे मुझे नहीं पता था कि मैं अगले दिन छुट्टी करूँगा, मेरा तो पूरा प्लान था स्कूल जाने का, बट वो मैंने अनफॉर्चुनेटली सुबह उठ के छुट्टी कर ली, बाकी तो मुझे लगा था कि मैं स्कूल जाऊँगा। लेकिन फिर भी मैंने 12 बजे के बाद तक भी पढ़ा, लाइक 1 बजे तक पढ़ा मैंने यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में। जो लोकल गवर्नमेंट मैंने जिसके क्वेश्चन आंसर लिखे थे मैंने सोचा चलो उसी के लेक्चर ले लेता हूँ, एक वन शॉट लेक्चर फ्रॉम यूट्यूब, और साथ साथ में अपनी NCERT भी मैंने खोल रखी है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। तो हाँ, अभी पॉलिटिकल साइंस का मैं बताऊँ ना, तो पॉलिटिकल साइंस में हमारे सर का ये है कि पहले एक बुक ख़त्म कराएंगे देन फिर सेकंड वाली बुक करवाएंगे, तो ये वाली बुक ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद मैंने चेक करी अपनी टू-डू लिस्ट, तो मैंने हिस्ट्री के लाइक दोनों टास्क कर लिए, दोनों लेक्चर कर लिए थे, उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस भी कर लिया, तो यही दो मेरे आज के टास्क थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नाउ वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।